हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और मैं तो ठीक ही हूँ। कैसे हो आप सब, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पटना में, सच में एकदम फट गई है सबकी। इतनी ज़्यादा गर्मी है और अभी बज रहे करीबन 10। सच में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कुछ करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, ना तो कुछ खाने का मन कर रहा है और ना ही कुछ करने का मन कर रहा है। मतलब क्या बताऊँ, ना रात को सो रहा है ना दिन में सो रहा है। मुझे तो करीबन 4 दिन हो चुके हैं सोए हुए, ना तो दिन में सो पा रही हूँ ना ही रात में। बहुत ज़्यादा गर्मी है और शांति उसी लोग को है जिसके पास एसी है भैया, हमारी तो मत पूछो। क्या कहूँ, चलो इस वीडियो को आज मैं स्टार्ट करूँगी। आजकल मोबाइल में भी मेरी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्यों, कभी स्क्रीन अलग ही आता है कभी अलग ही आ रहा है। मतलब वीडियो को शूट कर रही हूँ तो कभी अलग तरीके का ही कलर दिखा रहा है, कभी अलग है। और अभी तक मैंने नहाया नहीं है, अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मैंने सोचा कि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो पहले खाना बना लेती हूँ। और हस्बैंड भी उठ गए हैं गर्मी से, इनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखो क्या हाल है, मतलब मत पूछो, एकदम बैंड बज चुकी है सभी। तो मैंने सोचा कि पहले खाने के लिए कुछ बना लेती हूँ, उसके बाद ही मैं नहाऊँगी, क्योंकि कितने बार नहाऊँ समझ में नहीं आता। दिन में 4-5 बार नहा ले रही हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है। ये देखो आप, मतलब देखने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है, धूप में ऐसी कंडीशन हो गई है। पता नहीं यहाँ मानसून कब आएगा। वैसे तो हम लोगों ने सुना है कि 12 या 13 जून तक मानसून बिहार में एंटर करेगा, तो देखो देखते हैं आगे कि कब आ रहा है। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है तो जिसे मैं शूट कर रही हूँ। मुझे रिक्वेस्ट आया था कि दीदी प्लीज़ आपने ऊपर छत पे जो भी प्लांट्स लगाए हैं उनकी एक छोटी सी वीडियो अच्छे से क्लिप करके आप नेक्स्ट वीडियो में दिखाना। तो सॉरी, ये नेक्स्ट वीडियो में तो नहीं जा पाया है, क्योंकि इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये 3rd वीडियो है जिसमें मैं इसे अपलोड करूँगी, बस थोड़ी देर का है। तो चलो स्टार्टिंग में पहले देख लेते हैं कि ऊपर मैंने क्या क्या प्लांट लगाया है, तो चलो देखते हैं। चलो आ गई हूँ मैं अभी ऊपर, और यहाँ पे एलोवेरा के बहुत सारे प्लांट दिख रहे होंगे आपको इस गमले में, तो ऐसे बहुत सारे हो गए हैं, बहुत अच्छा लगता है ग्रीन ग्रीन देखने में। और ये एक पपीते का पेड़ है जो इसमें, ये देखो छोटा सा निकल आया है। और ये देखो कनक ने यहाँ पे करेले के बीज डाल दिए थे तो उसके भी छोटे से पौधे निकल आए हैं। तो बस ऐसे ही मैंने दिखा दिया था आपको क्योंकि ये निकल आया है। और आगे देखते हैं, ये है मैंगो का पेड़, तो यहाँ पे ये जस्ट इसी साल लगा है ये पेड़, ये छोटे से गमले में लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो इसको अच्छे से। क्योंकि और एक भाई ने भी पूछा था कि कैसे आपने गमले में लगाया था, तो प्लीज़ इसकी वीडियो डालिएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। मैंगो बहुत सारे हुए थे लेकिन सब छोटे छोटे थे और सब मतलब गिर गए। ये एक बज गया था तो ये बड़ा हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया है, जिस वजह से आप देख रहे हो वो पेड़ एकदम नीचे झुक गया है। तो यहाँ पे एक लकड़ी की मदद से हम लोगों ने उसे थोड़ा सा सहारा दे दिया है। और नेक्स्ट यहाँ पे ये है कड़ी पत्ता, तो इसका यूज भी होते रहता है घर में, तो इसलिए मैंने इसे लगा लिया। ये देखो बीज निकल आए हैं इतने अच्छे, और एक चींटी भी चल रही है इस पर। और इसे भी मैंने बीज के सहारे ही लगाया है, मैंने बीज डाले थे 2-4 तो अपने आप निकल आए हैं, बहुत अच्छे से हो गए हैं। और ये जो फूल का पेड़ है ये खुद निकल आया है, ये बहुत सारे निकल जाते हैं। यहाँ एक गुलाब का पेड़ है तो इसे मैंने कटिंग से लगाया है, लाइफ में पहली बार मैंने कोई चीज़ कटिंग से लगाई थी, तो यहाँ पे ये इतने अच्छे से हो गया था, मैंने सोचा भी नहीं था कि कटिंग से भी होता है, मतलब मुझे बिल्कुल भी थोड़ा सा भी उम्मीद नहीं थी कि कटिंग से होगा। और ये मेरा केले का पेड़, तो पूजा वगैरह करने के लिए रखा है मैंने। और इसी गमले में एक मिर्ची का पेड़ निकल आया है जो काफ़ी बड़ा हो गया, ये देखो फूल भी कितने सारे निकले हुए हैं। और ये ओढ़ौल है तो इसे भी मैंने कटिंग से ही लगाया है, ये बीज से निकला है जटाधारी। नेक्स्ट इसके पहले भी मैंने लगाया था। और यहाँ देखो ये है मेरी तुलसी मैया, तो ये भी बीज से निकला है।
और यहाँ पे भी थोड़े पौधे लगाए हैं मैंने, पता नहीं किस किस चीज़ के पौधे हैं। और इस पौधे को तो मैं पहचान नहीं पा रही हूँ कि ये किस चीज़ का है, बस ऐसे ही हम लोगों ने लगा दिया है। और यहाँ यही एलोवेरा ही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने एक ही एलोवेरा लगाया था, लेकिन देख रहे हो आप लोग कितने सारे निकल आए हैं, बहुत सारे। और ये बड़े गमले में है तो इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो गया है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और इसे हम लोग यूज भी करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये आप सबकी रिक्वेस्ट पे ही बनी थी। और पूरा दिन ऐसे ही गर्मी में बीत चुका है, अभी करीबन रात के 11:30 हो रहे हैं, सुबह काफ़ी रात हो गई। और यहाँ पे कनक मालिश कर रही है मेरे सिर की, उसके बाद उसने अपने पापा के भी सिर में अच्छे से मालिश कर दिया था, क्योंकि बहुत अच्छे से कनक मालिश कर देती तो हम लोग अच्छा लग रहा था। तो चलो एक बात तो है यार, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा कुछ कर देती हैं, तो सच में मेरी बेटी इतना कर देती है बहुत अच्छा लगता है। वैसे ये बहुत छोटी है लेकिन बहुत कुछ कर देती है। बस इस वीडियो को यही एंड करूँगी, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है। मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग